20 मई को स्काई वॉच ग्रुप चंद्रपुर ने पुलिस फुटबॉल ग्राउंड चंद्रपुर में शून्य छाया दिन का आयोजन किया है। दोपहर ठीक 12:09 पर सूरज सीधे सिर के ऊपर आ गया और सभी की परछाई गायब हो गई। मेज पर रखी सभी वस्तुओं की परछाई अचानक से गायब हो गई। महाराष्ट्र में शून्य छाया दिवस 3 से 31 मई तक होता है, जबकि चंद्रपुर जिले में यह 18 से 23 मई तक होता है। चंद्रपुर शहर में हालांकि यह दिन 19 और 20 मई का होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य 2 डिग्री के लिए 1 डिग्री पर होता है। दिन में सूर्यास्त के समय हमारे पास जुलाई में फिर से शून्य छाया दिन होता है, लेकिन बारिश के मौसम में इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से छात्रों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। इसके महत्व के कारण यह गतिविधि आकाश से धरती पर सीधे देखी जा सकती है और हर साल स्काई वॉच ग्रुप पूरे समूह में देखते आ रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हर दिन दोपहर में सूर्य ठीक सिर के ऊपर आ जाता है और हमारी छाया की लंबाई शून्य हो जाती है, पर यह सच नहीं। ऐसा साल में केवल 2 ही दिन आता है जब सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच में कहीं होते हैं। हमारी छाया की लंबाई क्षितिज से सूर्य की ऊंचाई पर निर्भर करती है। दिन के आरंभ में ये लंबी होती है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है छाया वैसे ही छोटी होती है। खगोल शास्त्री प्रोफेसर सुरेश चोपने और प्रोफेसर योगेश दूधपचारे ने सभी को शून्य छाया दिवस की जानकारी देकर ऐसे खगोलीय गतिविधि का निरीक्षण कर लुफ्त उठाने का आग्रह किया है। महेंद्र राले, अलका ठाकरे, श्रद्धा यदगुरवार, वन विभाग के अधिकारी प्रशांत खाड़े, नंदकिशोर खाड़े, हैर शेख, छात्र निर्जा खाड़े, श्रियांश खाड़े, शिरजा खाड़े, अन्वेंशा रामगांवकर, जूही काले, चमेली काले ने खगोल विज्ञान और भूगोल गतिविधि को देखकर विलोभनीय दृश्य का लुफ्त उपस्थितों ने लिया। जीरो शैडो डे के दिन पाए जाते हैं और चंद्रपुर में, विदर्भ में हर साल स्काईवॉच ग्रुप के तरफ से हम ये जो निरीक्षण शिविर है वो निरीक्षण शिविर हम करते हैं। तो 20 तारीख को कल भी हमने स्काईवॉच ग्रुप की तरफ से ये जीरो शैडो डे ऑब्जर्वेशन कैंप हमने रखा था। चंद्रपुर में 19-20 ये 2 दिन तक हमें जीरो शैडो डे पाया जाता है, यानी कि चंद्रपुर में 19 और 20 मई को सूरज एकदम ऊपर होता है और ऊपर होने से किसी भी खड़ी वस्तु की जो छाया है या हमारी भी छाया है वो ज़मीन पर नहीं गिरती है, इसलिए इसको जीरो शैडो डे कहते हैं। ये पृथ्वी की गति, सूरज की गति, इसके हिसाब से ये जीरो शैडो डे आता है। तो चंद्रपुर में ये 19-20 मई को और 23 जुलाई को जीरो शैडो डे आता है, मगर 23 जुलाई को बारिश होने की वजह से हम इसको नहीं देख सकते, इसलिए हम इसको 20 मई को इसको हम मनाते हैं। ये जीरो शैडो डे का कारण होता है कि सूरज जब विषुववृत्त जो होता है उससे उधर 23 डिग्री और फिर नॉर्थ में 23 डिग्री ये घूमते रहता है, ये भासमान जिसको मार्ग बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक नॉर्थ में जितने भी गांव आते हैं, जितने भी शहर आते हैं, वहाँ हम इसे जीरो शैडो डे मनाते हैं। उसी प्रकार से सूरज जब दक्षिणायन होता है तो उधर के 23.5 डिग्री के जितने भी गाँव हैं वो जीरो शैडो डे मनाते हैं। तो ये पृथ्वी की सूरज के इर्द गिर्द घूमने की जो गति होती है या फिर दशा होती है उसके आधार पर ये दिन हम मानते हैं, इसे क्रांति वृत्त कहते हैं। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो चंद्रपुर के हमारे जो निरीक्षण शिविर में बहुत सारे स्टूडेंट भी आए थे, बहुत सारे नागरिक भी आए थे और हम यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी इसका प्रसार प्रचार पूरे महाराष्ट्र में हम करते हैं। चंद्रपुर से सुनील ताइड़े की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।